12 सितंबर से 14 सितंबर तक सांसद बंटी विवेक साहू करेंगे जामसावली तक पदयात्रा। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत रास्ते में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल हुई स्थगित। मंडी सचिव व मंडी पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। जनपद पंचायत सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन को लेकर आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। मतगणना करने वाले अधिकारियों को दी गई जानकारियां। और कृषि विभाग कार्यालय में उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। योजनाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा आगामी 12 से 14 सितंबर तक जामसावली तक पदयात्रा की जाएगी। छिंदवाड़ा व पांडुर्ना जिले के समस्त नागरिकों की खुशहाली, सुख शांति व समृद्धि के लिए उनके द्वारा यह पदयात्रा की जा रही है। इस पदयात्रा के दौरान सांसद जन समस्याएं भी सुनेंगे। सांसद बंटी विवेक साहू जिले की खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि के लिए जामसावली तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। सांसद यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले गांव में मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे। लिंगा में शाम 6 बजे मेरा गांव मेरा सांसद अभियान में लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे और उनके निराकरण संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे। सांसद 13 सितंबर को सुबह 11 बजे सिल्लेवानी पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे रामाकुना पहुंचकर मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। सांसद सौसर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 14 सितंबर को सुबह 9 बजे जामसावली मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। 14 सितंबर को सुबह 11 बजे मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत पांडुर्ना जिले के ग्राम सिवनी में जन समस्याएं सुनेंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पांडुर्ना रेस्ट हाउस में आम जनता से मिलेंगे। हमारे छिंदवाड़ा पांडुर्ना जिले की खुशहाली के लिए मैं लगातार हमारे धर्मगुरुओं से पहुँच करके आशीर्वाद ले रहा हूँ। मैंने रविशंकर जी से, हमारे बागेश्वर धाम में पहुंचकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी से आशीर्वाद लिया और 12 तारीख को हमारे आराध्य गुरुवार हनुमान जी जो हमारे जामसावली में विराजमान है, मैं छिंदवाड़ा से पदयात्रा प्रारंभ करके उनके दर्शन करने जाऊंगा। साथ ही साथ रास्ते में जो भी हमारे गांव पड़ेंगे वहां पर ग्रामीणों से मिल करके उनकी परेशानी समस्याओं को जान करके और जो मेरा अभियान चल रहा है मेरा गाँव मेरा सांसद अभियान, इसके तहत उनसे चर्चा करूंगा, उनकी परेशानी समस्याओं को भी दूर करूंगा। और मुझे लगता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं जानने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता कि पदयात्रा करके उनसे मिलूं, गांवों के लोगों से मिलूं, बैठूं, उनके साथ बातचीत करूं। और साथ ही साथ हमारा संगठन का महापर्व भी चल रहा है, इस संगठन के महापर्व में सदस्यता अभियान चल रहा है, तो वहाँ पहुँच करके उनकी समस्याएँ दूर करके उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाऊँगा। 8 सितंबर से कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानी थी, जो मंडी सचिव और मंडी पदाधिकारियों व व्यापारियों के साथ बैठक के बाद स्थगित कर दी गई है। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के द्वारा विगत दिनों मंडी की समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा SGM सुधीर जैन को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मुख्य समस्याएं थी मंडी में चोरियां, मंडी की बाउंड्री वॉल एवं मंडी में नए शेड का निर्माण। इन समस्याओं को लेकर 8 तारीख को सभी अनाज व्यापारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था, मगर मंडी सचिव के साथ मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं व्यापारियों की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें मंडी सचिव को समस्याओं से अवगत कराया गया तथा समस्याओं के निराकरण के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक के बाद में निर्णय लिया गया कि मंडी की हड़ताल को स्थगित किया जाए, जिसके बाद सभी मजदूर, व्यापारीगण, हमाल किसान भाई अपने कामकाज पर लौटे। अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, मंडी व्यापारी अशोक संचेती एवं मंडी सचिव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मंडी के व्यापारियों के साथ हमारी बैठक हुई थी। पिछले बार उन्होंने ज्ञापन दिए थे, उस संबंध में आज बैठक रखे थे और उनकी मांग थी कि यहाँ पे शेड के लिए
कि अतिरिक्त शेड बनाया जाए, तो अतिरिक्त शेड के कार्रवाई कर ली गई है मंडी द्वारा। और बाउंड्री वाल का था, बाउंड्री वाल को आगे तक बढ़ाने का था, पहले अभी 700 मीटर का यहाँ पे बाउंड्री वाल बनाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन शेष बाउंड्री वाल के लिए भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसके भी हमने कार्रवाई कर लिए हैं, उस संबंध में चर्चा हुई। और इसके अलावा व्यापारियों के लिए 30-50 के 500 मतलब 1500 स्क्वायर फीट के लिए सबकम गोदाम का उन्होंने उल्लेख किया था, तो उसके बारे में डिस्कस हो गया और उसकी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा फिर हम वालों ये गार्डों की संख्या बढ़ाए जाने संबंध था, तो उसकी पूर्ति हमने पहले ही कल परसों से ही कर दिए हैं। बाकी यही चीज़ें थी और आगे जो हमारे जो खरीफ सीजन आने वाला है उसके संबंध में चर्चाएं हो रही हैं। सुरेश कुमार परते, मंडी सचिव छिंदवाड़ा। शनिवार को हम लोग सभी भारसाधक अधिकारी महोदय के पास चोरी एवं निर्माण से संबंधित मांगों को लेकर गए थे। हमारे द्वारा 27 तारीख को बैठक करके मंडी प्रशासन को 8 तारीख को अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। विषय हमारा चोरी और निर्माण कार्यों को लेकर था। माननीय भारसाधक अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडी प्रशासन को बैठक करके अनेकों प्रस्ताव पारित किए, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमने अपनी हड़ताल इसलिए स्थगित कर दी है। मंडी प्रशासन ने भी बैठक कर हमें सभी प्रस्तावों की जानकारी दी। मंडी में 3 नए शेडों का निर्माण होने वाला है और सुरक्षा गार्डों की भी तैनाती बढ़ाई जा रही है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। धन्यवाद। आपका नाम? प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ। विगत दिनों अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला जी के साथ में एडीएम साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया गया था, उन ज्ञापन को लेके आज जो मीटिंग हुई है उसमें काफी व्यापारियों के हित में जो निर्णय लिए गए उसके लिए हम एसडीएम साहब को धन्यवाद देते हैं, अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं और सचिव महोदय को धन्यवाद देते हैं। आपका नाम? अशोक संचेती। जनपद पंचायत सभाकक्ष में आगामी समय में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन को लेकर आज मास्टर ट्रेनर एवं अधिकारियों के द्वारा मतगणना करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन में 11 सितंबर को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी, जबकि 15 सितंबर को मतगणना सम्पन्न की जाएगी। हमारी ड्यूटी को एक ऐसे मतगणना पर्यवेक्षक मतगणना सहायक रूप में 17 काम में एंट्री व्यवस्था करना। और एक बात का विशेष ध्यान, कहीं पर योग का कलम नहीं, आप जब नोटिस एक 6 अभ्यर्थियों को डालते हैं या एंट्री कर देंगे संख्यात्मक, एक बार टोटल कर लीजिए और वो टोटल 15 कार के विद्युत समान 3 को मैच करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कहा 3 में लिखा था 310, ठीक है, टोटल आ रहा 315, 7 दल फ्री होंगे, 11 दल काम करेंगे, 3 फरासिया, 3 कामिया और 5 अमरवाड़ा। 3 दल कौन से? एक टेबल में फरासिया कामिया में, एक सारणीगढ़ की टेबल में हर जगह, और एक हर जगह रिजर्व एक ही रहेगा। इस ढंग से अमरवाड़ा भी सर एक ही का है। मतगणना के दलों का प्रशिक्षण रखा गया था। यह मतगणना दल पंचायतों में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पदों के निर्वाचन जो संपन्न कराए जा रहे हैं उसके लिए है, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार 11 सितंबर को प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और मतदान ईवीएम से कराया जाएगा। इसी की मतगणना रविवार 15 सितंबर को प्रातः 8 बजे से जनपद पंचायत मुख्यालय पर रखी गई है। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम रमेश कुमार बेहरा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन शाखा, छिंदवाड़ा। कृषि विभाग कार्यालय में आज उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा की, साथ ही अधिक से अधिक किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। आठ पान रुकना का है, पीपल को देना है, मैं नहीं अभी बता देना, आदि को मिला है, परासिया के 6 हैं, मुंगेर के 3 हैं, सौंसर के 3। तो ये इस सप्ताह है, मतलब आज क्या सोमवार हुई, मतलब अधिकतम 2-3 दिन में शुरू होने से पहले इस सप्ताह में इस बार जी जो मतलब शेष
सभी योजनाओं के असर इसमें सभी के जी तो सबके हैं, पूरी लिस्ट कुछ दे देना इनको, मतलब ये इसमें हम लिख देते हैं, मतलब इस वीक में 100% होना। अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, नॉर्मल नहीं दे सकता, सैटरडे भी आपका फंसा जाएगा, मतलब 14 हाफ टाइम ही ले सकते हैं। जैसा भी मेरा मदद नहीं है इधर मदद मिल जाएगी, पर ऐसे कर नहीं सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय, एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत चौकीदार, भृत्य, सफाई कर्मी, पंप चालक संघ के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत चौकीदारों ने शासन प्रशासन से कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने की मांग की है। तमाम सारे आदेश ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इनको कलेक्टर रेट मिलना चाहिए। अब इस सवाल को लेके हम कई बार यहाँ आ चुके हैं, पिछले एक महीने में तीसरी बार आए। हम ग्राम पंचायत चौकीदार संघ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हमारी मुख्य मांग यह है कि हम लगभग 10 वर्षों से ग्राम पंचायत चौकीदार पंप चालक पद पर नियुक्त हैं, जिसमें हमें आज तक सरकार शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया कि सामान्य वेतन देने का, जिसमें हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को 2-3-4 बार ज्ञापन हमारे माध्यम से दिया गया, जिसमें हमें सामान्य वेतन कर कलेक्टर रेट पर हमें वेतन दिया जाए। मैं जिला अध्यक्ष राजीव कुड़ोपा जी। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज पीएम पोषण योजना की मॉनिटरिंग हेतु एडीओ, पीसीओ, बीआरसी, सीएसई सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों कई सीएसई चेंज हो गए हैं, जिसके कारण योजना के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग में समस्या आ रही है, जिसके चलते जिला पंचायत सभा कक्ष में टास्क मैनेजर के द्वारा संबंधितों को यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आज यहाँ पीएम पोषण अंतर्गत एडीओ, पीसीओस, हमारे बीआरसीज, बीएसीज एंड सीएसीज को निरीक्षण करने के संबंध में एक आवश्यक ट्रेनिंग दी गई। कुछ हमारे सीएसीज चेंज हो गए थे, कुछ पूर्व में थे, किसी को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। हमारी योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है,
इसी उपलक्ष्य में आज इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, इनको प्रशिक्षण दिया गया, इनको जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व किया गया और हमारा कल से मॉनिटरिंग बहुत अच्छी चलने लगे, इसीलिए यहाँ इनको ट्रेनिंग दी गई है। नाम आपको? मैं ममता नामदेव, टास्क मैनेजर जिला पंचायत चिंतपुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आज आउटसोर्स कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 22 सितंबर को भोपाल में होने वाले कामगार क्रांति आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर आउटसोर्स कांग्रेस कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। आउटसोर्स स्थायी कर्मचारियों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्स स्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। आउटसोर्स स्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ग्राम पंचायत कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 15-20 साल से क्लास 4 की कोई भर्तियां नहीं की हैं और क्लास 4 के कर्मचारियों को अस्थाई और आउटसोर्स के जरिए रखकर जो काम कराया जा रहा है, जिसमें इन लोगों को पूरा वेतन नहीं मिलता। हमारे पंचायतों के जो चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, भृत्य हैं, इनको 2,000-3,000 रुपये वेतन देते हैं। स्कूलों, छात्रावासों में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, 4,000-5,000 रुपये देते हैं। ये मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है छोटे कर्मचारियों के साथ, जबकि सरकार शुरू से ही जो क्लास 4 के कर्मचारी होते थे, इन्हें एक दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखकर इन्हें सरकारी कर्मचारी बनाती रही है। लेकिन पिछले 15-20 साल में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। ये तमाम सारे जो लोग बैठे हुए हैं, ये सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल की लगातार मेहनत के बाद इन सब लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय किया है, संगठित किया है और आज हम छिंदवाड़ा में बैठक कर रहे हैं। इससे पहले हम कई जिलों में बैठक करके आए हैं और हम 22 सितंबर को भोपाल में कामगार क्रांति आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 1,00,000 से ज़्यादा पंचायतों के कर्मचारी, स्कूलों, छात्रावासों कर्मचारी, सरकारी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उस दिन हम सरकार से ये कहने जा रहे हैं कि कम से कम ये क्लास 4 का जो कर्मचारी है उसे तो सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसे आपको गुलाम बना के रखा है। और इसीलिए आज हम यहाँ बैठक कर रहे हैं। हमारे जिला पंचायत को भी हम ज्ञापन देने वाले हैं कि जो 2,000 रुपये में जो आप काम करा रहे हैं, ये अंग्रेजों से पहले वाली व्यवस्था से भी बड़ा अन्याय है, इसे खत्म करो। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने आज श्री बड़ी माता मंदिर, राम मंदिर और महासंत श्री चौबे बाबा समाधि स्थल पर दर्शन कर पूजन पाठ किया। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में विगत महापूर्व जुलाई में उपचुनाव में नव निर्वाचित विधायक कमलेश शाह ने जीत के पश्चात सोमवार को हृदय स्थल छोटी बाजार में श्री बड़ी माता मंदिर में पूजन पाठ माल्यार्पण किया। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे श्री बड़ी माता माई के मंदिर नवनिर्माण के समस्त कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक अरविंद राजपूत, अध्यक्ष संतोष सोनी ने नवनिर्माण के कार्यों की पूर्ण जानकारी विधायक कमलेश शाह के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने श्री राम मंदिर, महासंत श्री चौबे बाबा मंदिर स्थल में श्री दर्शन पूजन पाठ कर माल्यार्पण किया। उपचुनाव जीत के बाद यह उनका पहला दौरा छोटी बाजार क्षेत्र में रहा। उनका स्वागत सम्मान पुष्प मालाओं से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित नंदकिशोर शास्त्री, सतीश दुबे, गोविंद राजपूत, अनिल सोनी, राहुल द्विवेदी, सौरभ चौरसिया, ट्विंकल चरनागर, शेखर शर्मा, मयंक चौरसिया, अंशुल जैन, उमंग जैन, गौरव सोनी, विपिन सोनी, समकित जैन, विदित साहू, अमित जैन, सचिन पांडे, अंकित ठाकुर आदि समस्त युवा साथी उपस्थित रहे। इतना बड़ा सभा मंडप बना, हम लोग क्या, मैं आपको बता रहा हूँ,
चौबे बाबा ने समाज से अपील की कि सभी मंदिर बनाए जीवी समाधि दी गई, तो रघु मंदिर समाज ने राम मंदिर बना दिया, सोने समाज ने कृष्ण मंदिर बना दिया, साहू समाज ने शिव मंदिर बना दिया, चौरसिया समाज ने श्री राम मंदिर बना दिया, किरार समाज ने आदनारायण बना दिया, विश्वकर्मा समाज ने बना दिया, अलग अलग गुम्बस थी जो पूरी, जब ये अलग अलग गुम्बस थी तो फिर आपके दादा ने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेब डलवाया, तो ये एक सभा मंडप बना दिए। अब पुराना प्राचीन मंदिर की फोटो है ना आपके पास, मोबाइल में देखा था कि कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र का आपके साथ हमारा जो रिश्ता और संबंध रहा है आज भी आप उसको निभा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में भी आपकी पीढ़ियाँ जो आ रही हैं और हमारा आपका संबंध हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। इस अवसर के साथ अखाड़े के अध्यक्ष पंडित जी से निवेदन करूँगा, आदरणीय विधायक जी का पुष्पमाला स्वागत करें। ऋषि पंचमी के अवसर पर समीपस्थ ग्राम गुरैया में नागद्वारी यात्रा कर लौटे भक्तों के द्वारा सवा महीने के नियम धर्म का पालन कर कढ़ाई पूजा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, आनंद बख्शी, पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए और पूजन अर्चन कर प्रसाद ग्रहण किया। स्वामी की पश्चिम द्वार वाले बाबा की, उत्तर द्वार वाले दादा की, आनंद द्वार वाले बाबा की, चिंतामन दादा की, दूरी वाले दादा की, चित्रशाला मैया की, अरुणनाथ बाबा की, चंडीगढ़ वाले दादा की, जम्बूदीप वाले बाबा की, सौरगढ़ वाले बाबा की, बेलखंड वाले दादा की। देख रहा हूँ कि ये जो कार्य है निरंतर चल रहा है, प्रति वर्ष चल रहा है, जैसा बताया जाता है, मैं तो नहीं गया, परंतु नागद्वारी का मार्ग अभी थोड़ा सुगम हुआ है, पूरा सुगम नहीं है, परंतु इसके पहले जब जाते थे लोग तब वो इतना दुर्गम मार्ग था कि बिना प्रभु की इच्छा के वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होता था। मैं निश्चित रूप से आप सब बड़भागी हैं कि आपको जो यहाँ दर्शन करने के लिए प्रति वर्ष जाते हैं, ओके जी के साथ, शंकर भाव के साथ ये प्रति वर्ष जाते हैं, ये निश्चय ही इनका आत्मविश्वास है और ईश्वर की इन पर कृपा है। मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ये परंपरा को आप जीवित रखे हुए हैं। और विश्वनाथ जी इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं। मैं दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रोशनी अभी कुछ दूर ही गई है, रोशनी अभी कुछ दूर ही गई है, दिए को किसी की नजर लग गई है, तो दिए की बात नहीं है। यहाँ आप सबके मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करें, आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए, फसलों की पैदावार हो,
हम सब जो हमारे ऋण हैं उनसे ऋण हो जाए, हम सब के मंगल की शुभकामनाएं। हम सब ऋषि पंचमी को जो पचमढ़ी में स्थित नागद्वार का जो स्थान है वहाँ हम लोग नाग पंचमी को जाते हैं। अभी वहाँ पर 5 दिन हम लोग रहते हैं, यही यात्रा 10 दिन की होती है। पहले ये यात्रा 1 महीने चलती थी लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण अब वहाँ 5 दिन हम लोग जाके भक्ति सेवा पूजा करते हैं और 5 दिन छिंदवाड़ा के नागपुर के जिले भर से लाखों लोग वहाँ आते हैं। और आने के बाद हम लोग 1.25 महीने जिसको हम लोग कसनी कहते हैं, तपस्या कहते हैं, 1.25 महीने अपने हाथ से भोजन पानी बगैर नहाए धोए हम लोग कुछ लेते नहीं हैं। 1.25 महीने की हमारी तपस्या होती है। जितने भक्तगण जाते हैं पूरी 1.25 महीने तपस्या करते हैं भोलेनाथ की, नागद्वार स्वामी की, माँ चित्रशाला की और विभिन्न हमारे स्थान है वहाँ पर। तो बड़ा कठिन स्थान है लेकिन बड़ा आस्था वाला और वास्तविक स्थान है। जो भी वहाँ जाता है भक्तगण उसकी पूरी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। मैं आज के इस पावन पर्व पर ऋषि पंचमी के दिन हम नाग पंचमी के बाद 1.25 महीने भक्ति करने के बाद आज समापन होता है। आज हमारा समापन कार्यक्रम था। इस समापन कार्यक्रम में अभी हम लोगों ने हलवे का प्रसाद बनाए बड़ी मात्रा में और सबको हलवा का प्रसाद दिए। सब भक्तगणों ने आरती में शामिल हुए और इस पूरी भक्ति के कारण हम सब लोग जिले में ईश्वर से प्रार्थना करते, भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि हमारे जिले को सुखी संपन्न रखें और हम सब मिलकर इसी प्रकार व्यवस्था दे। लाइटिंग की व्यवस्था हम लोग 1982 से लगातार करते आ रहे हैं। उस व्यवस्था के लिए पहली बार हमने माननीय कमलनाथ जी से जनरेटर की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया था। वो व्यवस्था आज तक हमारी चल रही है। अब उस व्यवस्था को जारी रखकर हम भविष्य में जितने भी भक्तगण जाते हैं नागद्वार स्वामी में नागद्वार की यात्रा के लिए हम लाइटिंग की व्यवस्था देते हैं और पूरी आस्था के साथ हम लोग वहाँ आस्था का साथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए पूरी यात्रा को संपन्न। किन कारणों से ये पूजा रचक किया है आपने? क्या नागद्वार स्वामी का एक स्थान है नागदेव हम जिसको कहते हैं और उस स्थान का बड़ा महत्व है क्योंकि जो भी भक्तगण वहाँ जाते हैं नागद्वार एक लंबी गुफा है और उस लंबी गुफा में जाकर बहुत कठिन रास्ते होते हुए जाकर हम लोग दर्शन करते हैं। पहले इस स्थान का महत्व था कि हमारे बुजुर्ग अपने हाथों से नागदेव भगवान को सर्प को हटा हटा कर वहाँ ऊपर जाते थे। क्योंकि अब वह रास्ता सरल हो गया है, यात्रियों ने भक्तगणों ने वहाँ कहीं सीढ़ी लगा दी, कहीं वहाँ पर स्टील सेट लगा दिए, कई लोगों ने वहाँ व्यवस्था बना दी है तो अब रास्ता सरल हो गई है। लेकिन फिर भी जो पहली बार जाता है उसके लिए यात्रा कठिन लगती है लेकिन मेरा मानना है कि पहले की तुलना में यात्रा आसान है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 12 सितंबर से 14 सितंबर तक सांसद बंटी विवेक साहू करेंगे जामसावली तक पदयात्रा। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत रास्ते में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल हुई स्थगित। मंडी सचिव व मंडी पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। जनपद पंचायत सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन को लेकर आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। मतगणना करने वाले अधिकारियों को दी गई जानकारियां। और कृषि विभाग कार्यालय में उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। योजनाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।